हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक आर्ट एक्टिविटी शेयर कर रही हूँ, रंगोली ऑन वाटर, जो बेहद ही आसान है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी। तो इसके लिए एक बर्तन चाहिए, रंगोली, नमक, टैल्कम पाउडर और पानी। ये वीडियो मेरी बेटी बना रही है, उसे ये स्कूल के एक्टिविटी के लिए बनाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो सबसे पहले उसने पानी डाला है एक बर्तन में, आप चाहो तो कांच का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसमें डालना है नमक, ये अराउंड 4 to 5 टीस्पून है। नमक डालने से पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे रंगोली पानी के ऊपर काफ़ी देर तक तैरता है, और अगर आप बर्तन को नहीं हिलाओगे तो अराउंड 1 वीक तक भी रंगोली ख़राब नहीं होती है, बहुत अच्छे से रहती है। अब नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो नमक है वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब नमक अच्छे से मिक्स हो गया है, पानी को सेटल होने देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर डालना है टैल्कम पाउडर, जब पानी हिलते रहेगा तब नहीं डालना है, जब पानी रुक जाएगा, सेटल हो जाएगा, उसके बाद ही पाउडर डालना है। और आपको थाली उसी जगह पे रखना है जहाँ आपको रंगोली सजा के रखनी है, जैसे टी टेबल पे है या ड्राइंग रूम में किसी कॉर्नर में आप रखना चाहते हो, आंगन में, तो उसी जगह पे थाली रखकर उसके बाद रंगोली बनाना है। क्योंकि रंगोली बनाने के बाद आप उसे उठाओगे तो वो पानी हिल जाएगा और रंगोली बिगड़ सकती है। अब पाउडर अच्छे से डालना हो गया है, उसके बाद इसके ऊपर बनाएंगे रंगोली। रंगोली बनाते समय रंगोली की जो लाइन है, जो हम लोग रंगोली बनाते हैं, वो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। जैसे फ्लोर पे पतली रंगोली बनाते उस टाइप से नहीं बनाना है, ये रंगोली थोड़ी सी मोटी रहनी चाहिए, तभी ये लुक वाइज भी अच्छी दिखेगी और पानी में बैठेगी नहीं। और जो रंगोली हम लोग यूज़ करते हैं वो एकदम बारीक होनी चाहिए, महीन होनी चाहिए, दरदरी नहीं होनी चाहिए। दरदरी रहेगी तो वो पानी में बैठ सकता है, इसलिए इसके लिए जो भी रंगोली आप चूज़ करोगे वो एकदम फाइन और अच्छी क्वालिटी की रंगोली यूज़ करना। अगर फिर भी उसमें कुछ दरदरापन है तो आप थोड़ा सा उसे छान लेना। अब इस तरीके से आपको पहले रंगोली ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर मेरी डॉटर गणेशा बना रही है, तो आप जो भी आपको डिज़ाइन बनाना है, चाहे फ्लावर बना सकते हो, कोई एनिमल बना सकते हो, दिया बना सकते हो, जो भी आपको बनाना है पहले उसे ड्रॉ कर लेना, फिर उसके बाद उसके ऊपर इस तरीके से कलर फील करना। ये रंगोली बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और ये दिखता बहुत सुंदर है। रंगोली कई तरह की होती है, जैसे कि फ्री हैंड रंगोली, बिंदी वाली रंगोली, फ्लोटिंग रंगोली, फ्लावर रंगोली, और ये है वाटर रंगोली। रंगोली बनाना एक आर्ट तो है ही, साथ ही इसके कई साइंटिफिक रीज़न है। जैसे कि जब हम रंगोली बनाते हैं तो हमारी अंगूठी और उंगली मिलकर ज्ञान मुद्रा बनाते हैं, जिससे हमारा जो ब्रेन है उसे ऊर्जा मिलती है। एक्यूप्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रंगोली बनाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इसीलिए तो पहले रंगोली रोज़ बनाते थे। सुबह उठते साथ आंगन में या तुलसी चौराहे के सामने रंगोली बनाना एक रूटीन था, बट आज हमारे पास टाइम नहीं होता है, इसलिए हम लोग केवल स्पेशल ओकेशन पर, जैसे दिवाली, दशहरा, संक्रांति, इसी समय रंगोली बनाते हैं। पर रंगोली रोज़ बनाना एक बहुत अच्छी हैबिट है, इससे एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिलता है। अब ऑलमोस्ट रंगोली बन गई है, आपको जो डिज़ाइन बनाना है आप वो डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं, बट कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, तभी रंगोली बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव लगती है। अगर आपको रंगोली ज़्यादा दिन तक रखनी है, मीन्स अराउंड 1 वीक तक रखनी है, तो रंगोली बनाने के बाद उसे हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, और पानी में जो हम नमक डालते हैं उसकी क्वांटिटी को कम नहीं करना है, और टैल्कम पाउडर भी अच्छे से डालना है, तो आपकी रंगोली 1 वीक तक अच्छी रहेगी। अब रंगोली बनके रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।